शंकर जी के भक्त वो कहते हैं कि विष्णु ईश्वर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर विष्णु ईश्वर होते तो ईश्वर जो होता है वो सर्वसमर्थवान होता है। और शंकर जी का पैर का पता लगाने विष्णु जी गए और सर का पता लगाने ब्रह्मा जी गए और दोनों असमर्थ होके लौट आए, दोनों पता नहीं लगा पाए। तो बोले इसलिए यह दृष्टांत दे करके बोलता है तार्किक, तार्किक कहता कि नहीं इसलिए विष्णु ईश्वर नहीं हो सकते, शंकर ईश्वर है। तो उनकी बात का खंडन करते हैं गणेश जी के भक्त, कहते हैं कि नहीं शंकर ईश्वर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब पूजा करता है तो अपने से श्रेष्ठ की करता है, श्रेष्ठ की करता है, अपने से न्यून की पूजा नहीं करता। और तृप्ति का कलन करने के लिए, कलन शब्द यहां भी आया कि तृप्ति का कलन करने के लिए, कलन का अर्थ है उत्पत्ति स्थिति प्रलय, इस तृप्ति को कलन बोलते हैं, कलन। हाँ ठीक है। तो इस तृप्ति का कलन करने के लिए बोले शंकर जी गणेश जी का पूजन करते हैं, तो गणेश जी श्रेष्ठ होंगे तब तो पूजन करते हैं भाई, न्यून का कोई नहीं करता। और जब श्रेष्ठ है तो फिर वो ईश्वर है। तो उनकी बात का खंडन करते हैं शक्ति उपासक, कहते हैं कि ना सब कुछ शक्ति ही है, वहीं से सब कुछ का प्रादुर्भाव हुआ है। अब ये विडंबना है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, और हर संत इस सच्चाई को बताने के लिए समर्थ नहीं है कि आखिर ईश्वर है कौन। क्या बात, सही बात। अब तो वो कहता है दूसरा जो हमारा विधर्मी है, हमारे धर्म से चिढ़ने वाला है, वो कह रहा है कि देखो इनके में तो कई देवता है, कई भगवान है, कौन है कासली, कौन और वास्तव में तो ईश्वर एक है, लेकिन ये कहते हैं कई ईश्वर। तो जबकि ईश्वर एक है,